बाबूलाल मरांडी जी का नेतृत्व में हमारा पार्टी, हमारा दल, हमारा कार्यकर्ता पूरा दम से हेमंत सोरेन जी का पार्टी का खिलाफ लड़ेगा। जेएमएम है कहां झारखंड में? जेएमएम झारखंड में आउट ऑफ 81 सीट खाली 35 सीट में ही जेएमएम है, 50 सीट में तो जेएमएम है ही नहीं। बीजेपी का कोई बाहर का लोग नहीं आने वाला है, तो इसीलिए जो भी आइए आप मार के भगा दीजिए। इसलिए परिवर्तन झारखंड का लोग लाने वाला है। आज जिन्ना का पार्टी झारखंड में क्यों आया? हम आने से हेमंत सोरेन जी नाराज हो जाते हैं, क्यों हिमंत बिश्व शर्मा आते हैं, लेकिन उनका अपना घर में आज उन्होंने इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लोगों को लीडर्स को लाया, चाय पिलाया, कॉफी पिलाया। विरोधी पक्ष अभी मोदी जी जो भी करेगा उसी को ही विरोध करेगा, इसलिए मोदी का विरोध करने का सिवा विरोधी का हाथ में कोई एजेंडा नहीं। जेएमएम लड़ते कितना सीट में झारखंड में बिना कांग्रेस? लास्ट टाइम भी तो उनका सरकार नहीं था। जेएमएम जैसे बोलते हैं, मैं अभी हर जगह में जाके पूछना शुरू किया, लास्ट चुनाव में पहला कौन था, सेकंड कौन था, थर्ड कौन था, कम से कम 50 सीट में तो जेएमएम है ही नहीं झारखंड में। पहले आप लोग इतना जेएमएम का बात बोल रहा था, मैं भी डर गया था, लेकिन अभी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जाके मैं जब पूछना शुरू किया, बोला नहीं हमारा यहाँ तो जेएमएम है ही नहीं। जेएमएम है कहाँ झारखंड में? जेएमएम झारखंड में आउट ऑफ 81 सीट खाली 35 सीट में ही जेएमएम है, 50 सीट में तो जेएमएम है ही नहीं, लेकिन बीजेपी तो पूरा 81 सीट में है। सर जेपी नड्डा ने जो आज पत्र लिखा है राहुल गांधी के लिए और जो खड़गे जी को जो पत्र लिखा है, आप लोग क्या मानते हैं सर? आप लोग क्या मान रहे हैं? मुझको मानना नहीं है, तो मेरा अध्यक्ष जी का पत्र है, मुझको आपको पढ़वाना है, आप कृपा करके पढ़िए। और आप इनवाइट करते हैं मुख्यमंत्री जी को, आपने इनवाइट नहीं किया था? मेरा घर तो खोले है, आप जब भी हो सकता है, आप अगर इनविटेशन क्यों चाहिए, अपना घर है, जब चाहे आ जाइए। सर चंद्रबाबू नायडू ने एक आरोप लगाया है, ये देखिए तिरुपति का मामला में चंद्रबाबू नायडू जी ने जो बोला बहुत बड़ा खुलासा है। मेरा लगता है कि आंध्र प्रदेश में और सरकार ने उसका बारे में जनता को बताया है, इसका बारे में मैं भी थोड़ा अध्ययन कर लेता हूँ, जो भी मेरा समक्ष आया है उसको पढ़ने का बाद विश्वास ही नहीं हो रहा है, इतना ही मैं बोल सकता हूँ। बीजेपी का कोई बाहर का लोग नहीं आने वाला है, तो इसीलिए जो भी आइए आप मार के भगा दीजिए। इसलिए परिवर्तन झारखंड का लोग लाने वाला है, लेकिन आप गलती से झारखंड का लोगों को मत मारिए। बाहरी समझ के भीतरी समझ के अगर गलती से झारखंड का लोगों का ऊपर हाथ उठा देते हो तब तो सिचुएशन खराब होगा, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि बीजेपी का ओर से कोई बाहरी नेता नहीं आएगा। बाबूलाल मरांडी जी का नेतृत्व में हमारा पार्टी, हमारा दल, हमारा कार्यकर्ता पूरा दम से हेमंत सोरेन जी का पार्टी का खिलाफ लड़ेगा। सर देश में विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन का इतना विरोध क्यों कर रहा है? देखिए आप ही सोचिए, 100 दिन पहले झारखंड में एक चुनाव हो गया, 100 दिन का बाद फिर एक चुनाव का वातावरण यहाँ बन चुका है। नवंबर में चुनाव अगर होते हैं, फिर जनवरी फरवरी तक पंचायत म्युनिसिपैलिटी का चुनाव भी होगा, लोग कितना बार वोट देंगे, खर्चा कितना बार सरकार करेगा, ये खर्चा भी तो गरीब का ही पैसा है। अगर एक नेशन एक चुनाव होते हैं तब उससे बढ़िया बात देश में क्या हो सकता है? विरोधी पक्ष अभी मोदी जी जो भी करेगा उसी को ही विरोध करेगा, इसलिए मोदी का विरोध करने का सिवा विरोधी का हाथ में कोई एजेंडा नहीं। सर प्रधानमंत्री ने झारखंड हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई को लेकर फाइनिंग कमेटी बनाने का मामला रखा हुआ है। देखिए झारखंड का जो संथाल का डीएम लोगों ने हलफनामा दिया था हाईकोर्ट ने, पहले बोला था कोई घुसपैठी नहीं है, अभी झारखंड सरकार भी मान रहा है हाँ कोई कोई जिले में घुसपैठी आया है। भारत सरकार ने यह हलफनामा दे चुका है,
कि संथाल परगना में घुसपैठी आने का कारण एक विशेष समुदाय का जनसंख्या बढ़ा है और आदिवासी समाज का जनसंख्या घटा है। मैंने एक प्रोजेक्शन किया हूं 1951 तक झारखंड का हालत क्या होने वाला है। एक आपका जो सेंसस का फिगर है उनका ऊपर ही मैं एक प्रोजेक्शन किया हूं, जो थोड़ी ही आप लोगों का सामने भी लाने वाला है। आज आप और एक बार गैर से देखिए कि इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग का डेलीगेशन आके हेमंत सोरेन जी से मिला है, और ये मुस्लिम लीग किसको किस व्यक्ति ने बनाया था? जिन्ना साहब ने बनाया था। आज जिन्ना का पार्टी झारखंड में क्यों आया है? हम आने से हेमंत सोरेन जी नाराज हो जाते हैं, क्यों हिमंत बिश्व शर्मा आते हैं, लेकिन उनका अपना घर में आज उन्होंने इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लोगों को लीडर्स को लाया, चाय पिलाया, कॉफी पिलाया, नाश्ता। हमें ही वोट देना बेटी, इस बार नौकरी में 60% का महिला आरक्षण देंगे। पैसा पिछले बार भी जेएमएम वालों ने 50% का वादा किया था, हमको तो मिला नहीं, और आपको? हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन महिलाओं को तो नौकरी में ही 50% आरक्षण नहीं मिला, आपको मिला क्या? The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.